Hello students, how are you? I hope all are fine. So today we will learn standard 3rd और हमारा subject है computer. उसमें आज हम क्या learn करने वाले हैं? Windows. क्या learn करने वाले हैं? Chapter number 2, Windows. इसमें क्या है? Starting Windows. Windows की starting कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पे learn करना है. उसमें first क्या है? Icons. सेकंड है टास्क बार एंड थर्ड है स्टार्ट मेनू. पेज नंबर टेन पे ये सब आपको दिया गया है. फर्स्ट क्या है? आइकॉन. आइकॉन हम किसको बोलते हैं वो मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में सबको सिखाया था. मैंने यहाँ पे पूरी पिक्चर्स भी ड्रॉ की थी और आप सबको मैंने सिखाया था कि आइकॉन किसे कहते हैं. तो आई होप आप सबको रिमेम्बर ही होगा. डेस्कटॉप पे जो ये छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं ये सारे बॉक्स को आइकॉन कहते हैं. द स्मॉल पिक्चर्स दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स. आइकॉन किसको कहते हैं? डेस्कटॉप पे हम ये छोटे छोटे पिक्चर्स देखते हैं ये सभी पिक्चर्स को आइकॉन्स कहते हैं. एंड आइकॉन्स स्टैंड फॉर अ प्रोग्राम्स इन विंडोज. आइकॉन में कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं. There are many different programs like a paint, notepad and calculator in a windows. Icon में कौन कौन से programs होते हैं? Paint, notepad, calculator ऐसे कई सारे programs icon में होते हैं. इसमें first क्या है? Paint. Paint का use हम क्या करते हैं? कोई भी pictures बनाने में paint का use करते हैं ना, उसमें हम कोई भी pictures बना सकते हैं, उसमें colors भी कर सकते हैं. देन क्या है? नोटपैड. नोटपैड का यूज़ हम क्या कर सकते हैं? नोटपैड में हम कुछ भी लिख सकते हैं. देन आगे है कैलकुलेटर. उसमें हम क्या कर सकते हैं वो तो हम सबको ही मालूम है. कैलकुलेटर का यूज़ क्या होता है? हम हमारे सम्स को सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं. तो वो सारे प्रोग्राम्स विंडोज़ में होते हैं. विंडोज़ के आइकॉन में ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. देन आगे है टास्क बार. क्या है टास्क बार? आप सबको मालूम है टास्क बार किसे बोलते हैं. हम एक बार फिर से लर्न कर लेंगे. डेस्कटॉप की ये जो स्क्रीन है वहाँ बॉटम में जो है आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है वो ब्लू कलर की लाइन है. वो लाइन को हम क्या कहते हैं? टास्क बार. द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार. यहाँ पे भी क्या बताया है? वो जो डेस्कटॉप की पूरी स्क्रीन है उसके बॉटम में जो लाइन होती है जो बार होती है उसे टास्क बार कहते हैं. टू द राइट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द क्लॉक एंड डेट. ये जो टास्क बार है उसके राइट साइड हमें क्या दिखाई देता है? टाइमिंग एंड डेट. हम क्या देख सकते हैं? टाइमिंग एंड डेट. फिर आगे टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी अ स्मॉल बटन कॉल्ड द स्टार्ट बटन. ये जो टास्क बार है उसके लेफ्ट साइड क्या होगा? एक छोटा सा बटन है और इस बटन को हम क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन. क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन. देन आगे दिस इज द बटन दैट यू विल यूज टू स्टार्ट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इन अ विंडोज. इस बटन का यूज हम क्या कहाँ कर सकते हैं? जो विंडोज़ में कहीं सारे प्रोग्राम्स रहते हैं वो सारे प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए ये स्टार्ट बटन का यूज़ होता है. सबको समझ आ गया टास्क बार? ओके. अब आगे क्या है? स्टार्ट मेनू. क्या है स्टार्ट मेनू? इन विंडोज़ अ लिस्ट ऑफ कमेंट्स इज कॉल्ड मेनू. विंडो में तो कहीं सारे कमेंट्स होते हैं, इस सारे कमेंट्स को लिस्ट को क्या कहते हैं? स्टार्ट मेनू. क्या कहते हैं? स्टार्ट मेनू. मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन. पहले हमें क्या करना है? हमारा जो माउस है उसे हमें कहाँ पे लाना है? ये जो स्टार्ट बटन है वहाँ पे लाना है और फिर हमें माउस क्लिक करना है. जिससे क्या होगा? यू विल सी अ मेनू. इट इज़ ए कॉल्ड स्टार्ट मेनू. जब भी हम माउस को यहाँ पे स्टार्ट बटन पे लाएंगे
और फिर माउस को क्लिक करेंगे, इससे हमें यहाँ कहीं सारे मेनू दिखाई देंगे और ये सारे मेनू को क्या कहते हैं, स्टार्ट मेनू। समझ आया सबको? हमें क्या करना है, ये जो स्टार्ट बटन है वहाँ पे हमारा कर्सर लाना है, फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है जिससे हमें कहीं सारे ऐसे मेनू यहाँ पे दिखाई देंगे, ये सारे मेनू को स्टार्ट मेनू कहते हैं। इफ़ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइटम ऑन द स्टार्ट मेनू दैट आइटम विल बी हाईलाइट। अब उसमें क्या होगा, ये कहीं सारे मेनू हमें दिखाई दे रहे हैं, हम जब भी हमारे माउस को मीन्स हमारे जो माउस का कर्सर होता है वो हम यहाँ पे ले आते हैं क्या, जहाँ पे हमारा स्टार्ट मेनू है वहाँ पे, तो हम जब भी हमारे माउस को हमारा स्टार्ट मेनू पे ले आते हैं तो वो जो स्टार्ट मेनू में जो कोई भी प्रोग्राम होता है वो कैसा हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। मालूम पड़ा सबको, स्टार्ट मेनू किससे बोलते हैं, हम स्टार्ट बटन पे पहले माउस को ले जाना है, फिर वहाँ पे क्लिक करना है जिससे हमें ये बॉक्स दिखाई दे रहा है वैसा बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे कई सारे मेनू हैं, ये सारे मेनू को स्टार्ट मेनू कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा आज हमने क्या सीखा है। विंडोज़ में विंडोज स्टार्टिंग, उसमें फर्स्ट क्या देखा, आइकॉन, सेकंड है टास्क बार एंड थर्ड है स्टार्ट मेनू। तो आप सबको होमवर्क में क्या करना होगा, आज मैंने जो भी रिविज़न करवाया है वो एक बार रीड करना है। आप रीड कर लोगे ना? ओके, हमें क्या करना है, आइकॉन, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू को एक बार रीड करना है और हम अपना जो आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है सब मेनू वो हम हमारे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।